अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम पढ़ेंगे जी कार्डियक हेल्थ के बारे में और ईसीजी सीखेंगे हम आज, ठीक है। जो चेस्ट लीड्स होती हैं टोटल कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ पे लगती हैं और कौन सी लीड में जो है एसटी एलिवेशन हो तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी वॉल डैमेज हुई है, ठीक है। तो यही चीज़ हम देखने चाह रहे हैं, ठीक है। पहले हम बनाएंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखें हार्ट का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, यहाँ पे V1 से V4 तक, V1, 2, V3, V4, V5 और V6, ये 6 चेस्ट लीड्स होती हैं, ठीक है। चेस्ट लीड्स के बाद अब लिम्ब लीड्स आ जाती हैं, ठीक है। AVR जो कि हार्ट के राइट साइड पे आएगी, ठीक है। AVR के बाद हमारे पास आ जाती है AVL जो कि हार्ट के लेफ्ट साइड पे, यानी लेफ्ट मार्जिन पे आएगी, ठीक है। और AVF यानी कि जो लेफ़्ट फुट की लीड है, ठीक है, ये इन्फीरियर वाल के साथ हम लिखेंगे इसको। और लीड वन जो होती है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट पे लगी होती है, लीड वन, लीड टू एंड थ्री इन्फीरियर साइड ऑफ द हार्ट पे होती हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कार्डियक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो मूव करती है फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि जो SA नोड है, SA नोड वो कहाँ पे होता है जी, राइट एट्रियम के अपर पार्ट पे, ठीक है। SA नोड, SA नोड के बाद AV नोड आता है, फिर लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच में जो है एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव कर रही होती है तो हमें पता है कि जब चेस्ट लीड V1 से V4 तक अगर हमें ST एलिवेशन मिल रही है, ST एलिवेशन V1 टू V4, इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में इन्फार्क्ट आ रहा है या थ्रोम्बस आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग में LAD, लेड, ठीक है। ST एलिवेशन ऑन V1 टू V4 किसी में भी अगर एलिवेशन आए, ठीक है। V5 एंड V6 में अगर एलिवेशन आ रहा है और साथ में लीड 1 AVL में आ रहा है तो ये हमें बताएगा कि लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ब्लॉकेज आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, ठीक है। और अगर लीड 2, 3 एंड AVF में अगर जो है तो ST एलिवेशन आ रही है तो इसका मतलब यह है कि इन्फीरियर वाल का डैमेज है और इन्फीरियर वाल को सप्लाई कर रही होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, PDA, ठीक हो गया। तो ये चेस्ट लीड्स हैं, 12 जो है ECG लीड्स होती हैं जिसका मैंने आपको बताया।